लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। वेरीफाई फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल होते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। तो हम अपना क्वेश्चन राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी राइट हैंड साइड ले लेते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये बाइनोमियल को इस ट्रिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं और सेकंड ब्रैकेट को बंद रहने देते हैं। इसका फर्स्ट नंबर जो है x, इसको बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड जो ब्रैकेट है उसको क्लोज रहने देते हैं। इसके बाद प्लस वाई को बाहर ले लिया और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को ब्रैकेट में ले लिया। अब हमने क्या करना है, इस एक्स से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इस वाई से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जब हम एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स की पावर वन और एक्स की पावर टू, तो यहाँ पे पावर से ऐड हो जाएंगे, एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स को हमें एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। एक्स को फिर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई। फिर वाई को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई से, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर वन और वाई की पावर टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई घट गया, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी घट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वही साइड इसके इक्वल आ गई। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, से आप इसको मतलब ये हमारा आंसर। नाइन क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड से अपना आंसर स्टार्ट कर देंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल को ट्रिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और इसको क्लोज रहने देंगे, इसके एक्स बाहर लेंगे, ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका माइनस वाई बाहर ले लेंगे, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब हमने माइनस वाई को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई सेम होता है, हमने एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, अब हमने y को इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस, y को हमने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो y क्यूब आ गया। अब देखो ध्यान से, सेम सेम नंबर्स, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये कट गया, इसके बाद प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी सेम है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कट जाते हैं, हमारे डिफरेंट साइन होते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस वाई क्यूब। देखो राइट हैंड साइड का आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। हां जी, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10।
27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, 3 3 9 9 3 27, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन 9th में हमें फॉर्मूला किया था a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या फॉर्मूला था इसका, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये a है 3y और ये हमारे पास b है 5z, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू, अब यहाँ पे प्लस है देखो, तो प्लस है तो हम प्लस का फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो फिर माइनस का फॉर्मूला लगा लेंगे और प्लस है तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगा लेंगे। ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए कितना है हमारे पास 3y और बी है हमारे पास 5z, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 5z का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यहां तो एज इट इज रहेगा, इसको हम खोल सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 9 9y² माइनस 3 5 15 yz प्लस 5 5 25 z² आ गया हमारा आंसर। हाँ जी, सेकेंड पार्ट 64n³ माइनस 343n³, ठीक है। अब हम 64 को लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब, 4 4 16 16 4 64, 343 किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारा कितना है 4m और b हमारा है 7n, ठीक है। अब यह माइनस है तो यह माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे हम, पहले क्या लिखेंगे a माइनस b, a मीन्स 4a और b मीन 7n, a माइनस b इसके बाद इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी मीन्स 4m इंटू 7n, ठीक है। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 7n का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट हम ये बोलता, ठीक है, आ गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16m² 4 7 28mn 7 7 49, n को n से करेंगे n स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज, अब यहाँ ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब अगर आपको ध्यान आ रहा है तो x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास, x + y + z, उसके बाद x² + y² + z², ठीक है, उसके बाद -xy - yz - zx, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 27x³ को हम क्या लिख सकते हैं 3x³, 3x का होल क्यूब मीन्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y का क्यूब और यहाँ पे z का होल क्यूब, ब्रैकेट लगा दे रहे होल क्यूब, ठीक है। इसके बाद है माइनस, क्या है, -3xyz,
तो थ्री। अब यहाँ पे देखो x, x की जगह पे हमने क्या लिखा है 3x, y की जगह पे y है और z की जगह पे z है, ठीक है। इसको हम एबीसी से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, चाहे एबीसी से करो चाहे x y z से करो। तो आगे हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 3x, y की जगह y और z की जगह z। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x, x की जगह पे क्या लिखेंगे 3x, x प्लस वाई प्लस जेड, ओके। इसके बाद एक्स स्क्वायर मीन 3x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स वाई में क्या लिखेंगे x की जगह पे 3x इंटू वाई माइनस एक्स वाई के बाद माइनस वाई जेड माइनस जेड x, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3x, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, अगर हम इसको यहां लिख लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये तो फॉर्मूला था हमारा, माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x, ठीक है। यहां से हमने रख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है। अब 3x प्लस वाई प्लस जेड इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x का होल स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 3zx। बस आगे आंसर इस फॉर्म। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 1 by 2 x plus y plus z into x minus y ka square plus y minus z ka square plus z minus x ka whole square। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब अपना आंसर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड लिख ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको, ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है इसको खोल देते हैं। हमारे को पता है ये फॉर्मूला, हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना हमारे। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर देते हैं यहाँ पे, 1 बाय टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब इसको खोल दो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर कैसे बोलेगा, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस, इसके बाद जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है इसको भी खोल देते हैं हम, इसको खोल देंगे हम, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, खुल गए। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दो बार है, इकट्ठा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके बाद देखो क्या, माइनस टू एक्स वाई, इसके बाद हमारे माइनस टू वाई जेड, इसके बाद है माइनस टू जेड एक्स। अब देखो सारे नंबर्स आ गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सारे आ गए। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर,
जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया, टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। ओके, अब यहां पे देखो सारों के पास टू है तो हम इसमें से टू कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, इसमें से टू कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे हमने टू बाहर ले लिया तो यहां पे अंदर क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये टू इससे कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से सोचो, ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई, इसी का तो फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो क्या हो गया, हेंस रूट। ठीक है, बस फिनिश। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। अब हम फॉर्मूला ले लेते हैं क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब यहां पे क्या कह रहा है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर हम इसको जीरो लिख दें, ठीक है, जीरो इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जब हम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सबको जीरो बना देता है, इट मीन्स ये सारा जीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ले जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, ये साथ साथ चलेगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस थ्री एक्स वाई जेड है इसको जीरो के उधर ले जाओ, माइनस थ्री एक्स वाई जेड उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ये जो माइनस है जीरो के पास जाके प्लस हो जाएगा और प्लस का साइन हम लगाते रहेंगे। तो हो गया प्रूफ, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, हेंस प्रूफ्ड। फिनिश, हां जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनके क्यूब्स नहीं निकालने कि हम 12 का क्यूब निकाले, 7 का क्यूब निकाले, 5 का क्यूब निकाले और फिर उनको प्लस कर दे, ऐसे नहीं करना। वो कह रहा है बिना क्यूब्स को कैलकुलेट किए हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या देखा था, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। ये फॉर्मूला देखा था कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, थ्री एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे एक्स कितना है, माइनस ट्वेल्व, एक्स कितना है माइनस ट्वेल्व, वाई कितना है, y की जगह पे 7 है, ठीक है, और z कितना है 5। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो मीन्स माइनस ट्वेल्व प्लस 7 प्लस 5, इनको प्लस करके देखो अगर इनकी वैल्यू जीरो हो जाए, अगर इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स इन 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो अब देखो
सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, इनकी वैल्यू जीरो होगी। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व इंटू सेवन इंटू फाइव, यही कह रहा है ना वो। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। तो एक्स क्यूब कितना है यहाँ पे, माइनस ट्वेल्व का क्यूब है, फिर सेवन का क्यूब है और फिर जेड का क्यूब है, तो इन सबकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल आ जाएगी। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 12 थ्री जा 36, कितना आंसर आ गया, माइनस 1260। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। 28 होल क्यूब माइनस 15 होल क्यूब प्लस माइनस 13 होल क्यूब, ठीक है। इसका मतलब अभी हमने जो 13 क्वेश्चन में किया था, पिछले पार्ट में भी किया था, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करने हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड के। तो यहाँ पे x कितने हमारे पास, 28, y है हमारे पास माइनस 15 और z कितना है, माइनस 13। अब इनको प्लस करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को, तो क्या आ जाएगा, 28 माइनस 15 माइनस 13। पीछे वाले नंबर देखो, माइनस माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। 28 माइनस 28 कितना हो गया, जीरो। अगर ये हमारा इसका साइन जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थ्री एक्स वाई जेड, तो थ्री जीरो हो गया। तो देन सीधे लिख दे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब माइनस से माइनस कट गया, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहां पे देखो, 28 को 3 से करेंगे, 84, आप 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 195 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 16380।